हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल से पढ़ने से पहले अगर बात करें कि आखिर ज्योग्राफी यानी अर्थात भूगोल का मतलब क्या होता है, तो जो भूगोल है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। अगर बात की जाए ग्रीक भाषा के, तो ग्रीक में से कहा जाता है जियोग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। याद रखना, हद शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है। तो ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब बात करेंगे कि आखिर ज्योग्राफी के या भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। जैसे हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई पिता होता है या जनक होता है हर सब्जेक्ट का। तो अगर बात की जाए तो ज्योग्राफी शब्द के जनक हिकेटियस हैं, और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले किया था। सबसे पहले इरेटोस्थनीज ये ही इस शब्द का प्रयोग किया था। अब हम चैप्टर पे आते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है मानव भूगोल, अब इसमें मानव भूगोल में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मानव भूगोल में हम लोग मानव समाज और भूगोल या भौतिक या धरातल के चीज़ों में हम अध्ययन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मानव भूगोल कहते हैं। अर्थात मानव समाज और धरातल के भी जो भी संबंध होता है उसे हम मानव भूगोल के रूप में अध्ययन करते हैं। और अब बात करेंगे कि मानव भूगोल की बहुत सारी अवधारणाएं हैं। अवधारणाओं का मतलब होता है कि अगर बात की जाए अवधारणाएं की, तो भूगोल में या ज्योग्राफी में बहुत सारी अवधारणाएं अलग अलग दी जाती हैं, जैसे निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। अब बात करते हैं कि आखिर निश्चयवाद की अवधारणा होती क्या है। सबसे समझ में आ रहा है कि निश्चयवाद का अर्थ क्या है, निश्चय जो निश्चित है, जिसे बदला नहीं जा सकता। सपोज करो कि हम लोग प्राचीन समय में हैं, ठीक है, तीव्र वर्षा हो रही है और कोई व्यक्ति मतलब गुफाओं में है, ठीक है। अब वर्षा हो रही है तो क्या बाहर जा पाएगा? वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रकृति क्या कर रही है, उस पर नियंत्रण को दर्शा रही है। वर्षा हो रही है, मानव कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ये प्रकृति के मानवीकरण पर दर्शा रहा है नियंत्रण को। तो अगर बात करते हैं इसकी विशेषता की, तो निश्चयवाद की अवधारणा में मानवीय गतिविधि या क्रियाओं पर प्रकृति का नियंत्रण हो रहा है, ठीक है। और मानव प्रकृति निश्चयवाद की जैसे अवधारणा में ना जो सक्रिय भूमिका निभाता है वो प्रकृति निभाता है, और निष्क्रिय भूमिका जो निभाता है, क्योंकि दास होता है मानव, तो जो प्रकृति बोलता है वो करता है, तो मानव दास होता है यानी निष्क्रिय भूमिका निभाता है। और मानव प्रकृति क्या करती है, मानव को अपने अंदर पूरा ढाल लेती है। इसीलिए निश्चयवाद की अवधारणा में क्या होता है कि मानव का प्राकृतिकरण हो जाता है, इसीलिए इसे मानव के प्राकृतिकरण के नाम से भी जाना जाता है। निश्चयवाद की अवधारणा के जो समर्थक हैं ये रेडजल और एलन सी सेपल हैं। कौन है? रेडजल और एलन सी सेपल। अब बात करते हैं, एक अवधारणा तो हो गई, अब नेक्स्ट बात करते हैं संभववाद की अवधारणा। संभववाद जैसे वर्ड में ही संबंध में आ रहा है कि संभववाद का अर्थ होता है कि हाँ हो सकता है, यानी मानव अपनी सुविधा के अनुसार जब प्रकृति में बदलाव या परिवर्तन करता है तो उसे संभववाद की विचारधारा कहते हैं। संभववाद की विचारधारा में उल्टा होता है कि मानव सक्रिय भूमिका निभाता है, प्राकृतिक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। प्राकृतिक निष्क्रिय निभाता है, मानव सक्रिय भूमिका निभाता है, और इसलिए इसे प्राकृति के मानवीकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसके समर्थक है बिडाल डीला ब्लास। जैसे वर्षा हो रही है छाता लेके हम निकल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि जैसे अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो हम लोग छाता लेके निकल जाएंगे। तो क्या हमारा काम रुका? हमारा काम इसमें बिल्कुल नहीं रुका। अगर सपोज करो एक और एग्जाम्पल बात करते हैं कि जैसे कोई पहाड़ है, अब पहाड़ के हम उस तरफ कैसे जा सकते हैं, पहाड़ की चढ़ाई करके, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मनुष्य ने क्या किया कि सीधा पहाड़ को बीच में से काट दिया, यानी मनुष्य ने क्या किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रकृति में बदलाव कर दिया। दैट्स कॉल्ड संभववाद की अवधारणा।
अब बात करते हैं एक और अवधारणा है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। अगर बात की जाए नवनिश्चयवाद के जो जनक माने जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के एक विद्वान है जिसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ये नवनिश्चयवाद की अवधारणा के जनक माने जाते हैं और नवनिश्चयवाद को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधारणा में ना ही प्रकृति ही सब कुछ होती है और ना ही मानव। अर्थात नवनिश्चयवाद की क्या करता है कि ये मानव ये निश्चयवाद और संभववाद का बीच का रास्ता प्रस्तुत करता है। अगर हम लोग लगातार विकास करेंगे तो प्रकृति को हानि होगी नहीं होगी, तो कहता थोड़ा सा रुको और जाओ, ठीक है ना, विकास रुको और जाओ, इस कहते हैं निश्चयवाद। इसलिए कहा जाता है निश्चयवाद नवनिश्चयवाद की अवधारणा को रुको और जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि एक लाल बत्ती होती है, जब लाल बत्ती होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है ना। ग्रीन हो जाती है तो हम चले जाते हैं, रुकना और जाना, ठीक है ना। तो इसीलिए विचारधारकों ने नवनिश्चयवाद की अवधारणा भी दी है जिसमें ना ही प्रकृति ही सब कुछ है और ना ही मानव, ये दोनों के मध्य का रास्ता प्रस्तुत करता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।